जुपिटर हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे तेज घूमने वाला और सबसे पुराना ग्रह है। लेकिन यही जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट भी है। जुपिटर सौर मंडल के जन्म से लेकर अब तक हमारी धरती की रक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड में घूमता फिरता ये मटका इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 धरतियां समा सकती। ब्रह्मांड में घूमते फिरते इस मटके के अंदर पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और कई रासायनिक पदार्थ भरे हैं। जुपिटर पर दिखने वाली ये खूबसूरत संरचनाएं असल में इस पर चलने वाले भयानक तूफान हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सुंदर रचनाओं के पीछे यानी जुपिटर के अंदर क्या मौजूद है, कैसी है बृहस्पति के अंदर की दुनिया। वैज्ञानिकों ने गैलीलियो और जूनो स्पेस प्रोब को जुपिटर पर भेजा, पर इसके अंदर के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में ये स्पेस प्रोब ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपका कॉस्मिक दोस्त यानी वाइजर आप सबको ले चलूंगा बृहस्पति के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारी स्पेसशिप और चलिए चलते हैं बृहस्पति के अंदर। दोस्तों इससे पहले कि हम जुपिटर के अंदर जाएं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जुपिटर के अंदर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इसलिए हम अपने स्पेसशिप के हाईटेक एयर कंडीशनर को ऑन कर लेते हैं। और जुपिटर पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अपने साथ ले आए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि जुपिटर पर एक भयानक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है और हमें इस ग्रेट रेड स्पॉट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये रेड स्पॉट एक भयानक तूफान है जो पिछले 300 सालों से जुपिटर पर चल रहा है और इसमें हमारी पूरी धरती समा सकती है। ये भयानक तूफान जुपिटर के 500 किलोमीटर अंदर की गहराई तक चलता रहता है। अगर हम इसके अंदर गए तो हम हमेशा के लिए इसी में चक्कर काटते रह जाएंगे, तो बढ़िया यही होगा कि हम डायरेक्ट जुपिटर के अंदर लैंड करें। फ्रेंड्स जुपिटर पूरा गैस से बना एक प्लेनेट है, लेकिन क्या हम इस गैस के गोले के आर पर जा पाएंगे, चलिए देखते हैं। फिलहाल आपको लग रहा है कि हम बृहस्पति ग्रह के अंदर जा रहे हैं, लेकिन असल में बृहस्पति खुद हमें खींच रहा है और लगातार हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। हमें इंजन ऑफ कर देना चाहिए। बृहस्पति हमें लगातार 110,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने आगोश में लेता जा रहा है। दोस्तों हम जुपिटर के अंदर उसकी पहली लेयर से गुजर रहे हैं और हम यहाँ पर सफेद अमोनिया के बादलों के अंदर से जा रहे हैं। भले ही हम इस गैस से गुजर रहे हों, लेकिन इतनी स्पीड में इस गैस से गुजरना दीवारों से टकराने जैसा ही है। इस समय यहाँ पर प्रेशर पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आधा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये प्रेशर भी साथ में बढ़ता जा रहा है। अगर इस समय आपको बाहर छोड़ दिया जाए तो यहाँ मौजूद अमोनिया की वजह से आपकी आँख, नाक और गला काफी तेज जलना स्टार्ट हो जाएगा और आप अंधे भी हो सकते हो। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि फिलहाल हमारे गिरने की स्पीड पृथ्वी पर गिरने की स्पीड से लगभग 2.5 गुना ज्यादा तेज है। दोस्तों इस समय हमें यहाँ सूरज की लाइट विजिबल होगी, लेकिन यहाँ -150 डिग्री की एक्सट्रीम ठंड में हमारी हालत खराब हो जाएगी। और देखिए ना, बातों बातों में हम इस अमोनिया क्लाउड को पार करते हुए नीचे आ चुके हैं। इस वक्त यहाँ से सूरज थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ के बादल इसे ढक लेते हैं। आगे चलते हुए हमें ब्राउन अमोनियम सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादल घूमते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आते आते वायुमंडल दबाव पृथ्वी से 2 गुना हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ का नजारा भूरे रंग का होने लगा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर लाइट खत्म होती जा रही है और टेम्परेचर भी काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए चलिए दोस्तों एक बार हम जुपिटर पर बाहर निकल के यहाँ कूद कर देखते हैं कि हम कितना ऊंचा कूद सकते हैं। यहाँ हम 0.6 फीट जितना ही कूद सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसशिप के बाहर आ ही गए तो चलिए एक कर्स्तानी भी करके देखते हैं। हमारे चारों ओर मौजूद ये गैस फ्लेमेबल है और क्या होगा अगर मैं यहाँ माचिस की तीली को जलाऊं, क्या जुपिटर उड़ जाएगा? अरे यह तीली जल क्यों नहीं रही है? ओ याद आया फ्रेंड्स, जुपिटर के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है और इस वजह से यहाँ माचिस की तीली नहीं जल सकती, इसलिए हम जुपिटर का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इससे पहले जुपिटर हमारी धज्जियां उड़ाए स्पेसशिप के अंदर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जुपिटर पर अंधेरा बढ़ रहा है और अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। अरे ये क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बृहस्पति पर बहुत भयानक बिजली कड़क रही है।
और इसकी रोशनी में हमें यहाँ मौजूद बड़े बड़े सफेद बादल दिख रहे हैं, जो यहाँ भयानक कड़कती बिजली के साथ तूफान मचा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लाउड से गुजर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा हो गया है और टेम्परेचर 20 डिग्री हो चुका है। यहाँ हम अपने हाईटेक चश्मे से सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता चलता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। अभी तक तो हम आराम से आ गए, लेकिन हमारी असली धज्जियां अब उड़ने वाली है। दोस्तों, हम इस वाटर आइस क्लाउड को पार कर चुके और काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है और अब यहाँ पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिक होता जा रहा है, लेकिन अचानक से हमारी स्पीड कम क्यों हो गई है? हमें कौन रोक रहा है? अरे ये क्या, हम बीच में रुक कैसे गए? अच्छा, तो यहाँ पर जाकर हमारी डेंसिटी इस एनवायरनमेंट के बराबर हो गई है। ओ फ्रेंड्स, अब तो यहाँ फ्लोट कर पा रहे हैं, इन डेंस क्लाउड में हम तैर पा रहे हैं। जुपिटर की ग्रेविटी अब हमें नीचे नहीं खींच रही है। लेकिन दोस्तों, इसके आगे क्या है ये जानने के लिए अब हमें अपने स्पेसशिप का इंजन ऑन करना होगा। फ्रेंड्स, काफी सारी मुश्किलों से गुजरते गुजरते अब हम जुपिटर के 13,000 मील अंदर आ चुके हैं और यहाँ हम एक मेटालिक रीजन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का प्रेशर पृथ्वी पर लगने वाले प्रेशर से 20 लाख गुना ज्यादा है और इतने ज्यादा प्रेशर ने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भी इतना दबा दिया है कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक लिक्विड मेटल बन चुकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुपिटर की काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लिक्विड मेटल की वजह से होती है। अब इस जगह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये जगह सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म हो चुकी है और ये हाइड्रोजन मेटल भी धीरे धीरे ग्लो करके पूरे एटमॉस्फेयर को उजाले से भर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इतने उजाले में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ हर जगह उजाला ही उजाला है, जिस वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहेंगे। दोस्तों, अब हम जुपिटर के काफी अंदर आ चुके हैं, हो सकता है कि अब हमें इसकी कोई सॉलिड सरफेस मिल जाए। काफी देर तक इस खाई में डूबते डूबते अब हम फाइनली जुपिटर की सॉलिड सरफेस पर पहुंच चुके हैं। वाओ, फाइनली दोस्तों हम वहां पहुंच चुके हैं जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। ये वो जगह है जो हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा मैसिव है और ये बृहस्पति की कोर है जो कि रॉक और एग्जॉटिक आइस से बनी है और इस समय आपको अपने ऊपर 2.5 करोड़ वायुमंडलीय दबाव महसूस होगा और यहाँ पर इस समय 36,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम नहीं जा सकते और ना ही हमारी हिम्मत है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।